मेरा नाम अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा न्यू यूट्यूब चैनल अख्तर हुसैन ऑफिशियल। दोस्तों मैं आज आपको टर्मिनेशन करने के बारे में बताने वाला हूं। आप देख लीजिए कि टर्मिनेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको टर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसकी जानकारी आपको फुली मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि वायर को ऑलरेडी इसको टर्मिनेशन करने के लिए रेडी कर दिया गया है। तो आप देखिए कि पहले जब टर्मिनेशन जब मतलब करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें नट कोई ढीला तो नहीं है, बस इसको टाइट करने के बाद ही हम इसको टर्मिनेशन करेंगे जो आप ऊपर में देख रहे हैं। तो दोस्त आप हमारे वीडियो में कुछ न कुछ आपको हर दिन सीखने के लिए मिलेंगे ही। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल घंटी भी बजा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो दोस्त आप देखिए कि मैं ढीला हुआ नट को कैसे टाइट करके आगे कर रहा हूं और फिर इसको टाइट करने के बाद फिर मैं इनको टर्मिनेशन करूंगा, नहीं तो फिर अगर ढीला रहने से कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कोई भी चीज करने से पहले इसको टाइट किया जाता है ताकि उसमें कुछ करने से हमें दिक्कत ना हो। ये जो काम हो रहा है ये टेलीफोन लाइन सिग्नल वगैरह का काम होता है, जो फोन वगैरह के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं स्टेशन में तो इन्हीं के माध्यम से ही आप चला सकते हैं, यहाँ से ही इसका कनेक्शन किया जाता है ताकि आपको वाईफाई का सुविधा मिलता है। और साथ में और भी काम है, जो पटरी के बगल में वो और सारे जो बॉक्स लगे हुए हैं उसका भी काम है। तो आप जानकारी आपको इनसे इतना ही मिलेगा कि इस केबल का क्या क्या काम होता है। तो फिलहाल आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।